हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं लगभग अपने घर से 20 किलोमीटर दूर, इधर आए हैं। एक जानकारी मिली है मेरे को, पेड़ गिर गया था, तो आइए उसे दिखाते हैं। ये वो पेड़ है, देख सकते हैं। ये वो पेड़ है और ये, इसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण इसीलिए गिर गया है पेड़। हवा भी काफ़ी तेज चली, सूखा पेड़ था इसीलिए गिर गया। ये देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं। आइए आपको नीचे दिखाते हैं। काफ़ी सूखा पेड़ था इसीलिए गिर गया, देख सकते हैं। यही वो पेड़ है, ये वही पेड़ है, देख ले किस बुरी हालत में है। ये सूखा पेड़ था इसीलिए गिर गया, पानी बारिश ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ इसीलिए गिर पड़ा, सूखा पेड़ है। आइए आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, ऊपर चलिए आप, कैमरा मैन आप ऊपर चलिए, दिखाइए हमारे गाइस, हमारे दोस्तों को। यही ये वही पेड़ है, देख सकते हैं कितना बड़ा था पेड़। ये इसमें जान भी जा सकती थी लोगों की, देख सकते हैं पूरा गिरा है, जस्ट वैसे चूर हो गया पूरे, देख सकते हैं ये डार वार सब चूर हो गई। ये इतनी मोटी मोटी डार थी इसमें, इसमें आम बहुत अच्छे लगते थे खाने में, मज़ा आ जाता है। ये आम है, ये आम का पेड़ था, बहुत मज़ा आता था, बहुत मीठा आम ये था, मगर अब क्या करें गांव वाले, सूख गया ये पेड़। एक दिन से सबको जाना है, ये भी चला गया आज। तो आपको ये दिखाते हैं, देख सकते हैं ऐसे ही है हमारे, देखा यहाँ पे, पता चला कि ऐसे गिर पड़ा। हवा ज़्यादा तेज चली भी नहीं, पानी बारिश ज़्यादा हो रही ना हमारे यहाँ, इसीलिए मिट्टी गीली होने के कारण टूट गया है पेड़। और ये पेड़ काफ़ी नीम उम के पेड़ है, पेड़ ये है आप जानते हो महुआ, हाँ ये महुआ के पेड़ है, ये इधर भी पेड़ हैं। और इधर देख सकते पूरे खेत हैं जिसमें धान लगा हुआ है, धान देख सकते दूर दूर तक देख सकते हैं पूरे में धान है, लग चुका है। ये वाला नहीं लगा अभी, ये नहीं लगा, उधर देख सकते हैं वो लग चुका है। आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा तो उसमें भी अभी धान की बेरन फैली हुई है, अब वो भी लग जाएगा 2-3 दिन में पता चल रहा है। और इधर तो लग ही गया, ये वाला अभी लगना है। और इधर देख सकते हैं ये हरियाली कितनी है, बढ़िया। इधर थाले में पेड़ लगाए हुए हैं आम के पेड़, एक गया तो क्या हुआ, मगर 50 लग गए हैं इधर आम के पेड़, काफ़ी अच्छे आम के पेड़ हैं। चलो आपको पास से दिखाते हैं आम के पेड़, आइए आपको दिखाते हैं पास से कितने अच्छे आम के पेड़ हैं। अभी दो साल हुआ है पता चल रहा लगाए हुए इसको, और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। बारिश इधर हो रही ना इसीलिए तुरंत ये ऊपर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हरियाली कितनी खूबसूरत हरियाली है, ये देख सकते हैं हरियाली हरियाली है पूरे में हरियाली हरियाली है ये। आइए वो एक पेड़ है आपको उसको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा पेड़ है। पानी ज़्यादा बारिश ज़्यादा होने के कारण इसलिए थोड़ा थोड़ा धस रहा है ये। आइए पास से दिखाते हैं आपको आम का पेड़, ये है, आइए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस आम का पेड़ है, ये काफ़ी हरा भरा पेड़ है, आम का पेड़ है ये, पत्तियाँ काफ़ी मुलायम है इसकी। ये नीम की पेड़ है इधर, ये काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं इधर, कम से कम 500 पेड़ लगे हुए हैं इस बाग में। इधर दिखाइए आप कैमरा मैन, देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरे में, ये सारे पेड़ ही पेड़ हैं इधर, पूरी बाग ही बाग मिलेगी आपको इधर। इधर दिखा दीजिए, पूरे में बाग ही बाग मिलेगी। एक पेड़ आपको वहाँ पे दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है ये वाला पेड़, आइए आपको इसको दिखाते हैं। ये पेड़ है काफ़ी खूबसूरत पेड़ है ये वाला, बड़ा बहुत बड़ा है ये, 10 फीट से ज़्यादा हो गया है ये वाला पेड़, आइए आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा पेड़ है ये, देख सकते हैं गाइस काफ़ी बड़ा पेड़, हम तो वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते, पर यहाँ पे कुछ टहनियाँ लटक रही हैं इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा पास से आइए दिखाते हैं आपको, थोड़ा पास आइए आपको एकदम मुलायम, कैमरा पास लेके आइए, ये कितनी मुलायम पत्तियाँ हैं, बिल्कुल मुलायम पत्तियाँ, हरी बिल्कुल हरी भरी हैं पेड़, हरा भरा पेड़ है ये, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ है। और काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं ऐसे ही गाँव में, गांव में तो जानते ही हैं आप,
कोई हवा की दिक्कत रहती नहीं है, बिल्कुल ठंडा गांव रहता है। शहर वहर में तो मज़ा नहीं आता, गांव में जितना मज़ा आता है उतना बाहर नहीं मज़ा आता, इसीलिए लोग गांव भागते हैं। गर्मियों में ठंडियों में गांव में जितना जो मज़ा है वो कहीं नहीं मज़ा है, इसीलिए गांव में आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मेरा गाँव है बरखुदारपुर, यहाँ हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं और इसी पेड़ वेड़ के बारे में बताना चाह रहे थे कि हमारे पेड़ गिर गया तो वहाँ पर दिखाया आपको। और ये बाग है अपनी, बढ़िया बाग है, बढ़िया पेड़ वेड़ तो बहुत लगाए, 500 पेड़ लग चुके हैं इस बाग में, अभी और लगाना है इसमें। ये 4-5 साल में आप बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको एक वीडियो डालेंगे इसमें, जब हो जाएंगे बड़े बड़े। और चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए